राधे राधे दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही शानदार है। वो देखते रहिए आप, वो क्या है और क्या कारगर है दोस्तों, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अपने को क्या लेना है दोस्तों, शरीर में कहीं पे भी गांठें हो जाती है दोस्तों, गांठें मेद पुराण कहीं स्तनों में भी गांठें हो जाती है, तो हर प्रकार की गांठों के लिए। वैसे तो वेद पुराण में बताया गया है दोस्तों कि ये जो कैंसर की गांठ होती है उस गांठ के लिए भी एक रामबाण इलाज है, जो वो क्या है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। वो है ये दोस्तों, इसे कहते हैं एलोवेरा दोस्तों। क्या कहते हैं? एलोवेरा दोस्तों। यह एलोवेरा क्या कारगर है दोस्तों, इसका ऊपर से और नीचे से छिलका उतारिए दोस्तों। छिलका उतार के आप इसका कैसे यूज़ करोगे दोस्तों? इसका यूज ऐसे करना है कि इसकी गिरी उतार के, और गिरी में इतनी गिरी हो जाएगी आपके पास, इतनी गिरी होने के बाद में इस एलोवेरा को गिरी निकाल के, और आप उसमें जो अपन सब्जी में डालते हैं वो हल्दी डालिए। क्या डालना है? हल्दी। हल्दी डाल के और दोनों को इनको मिक्स करिए, बिल्कुल एकदम शानदार मिक्स हो जाना चाहिए ये दोस्तों। तो जैसे गांठ में अपने जैसे पट्टी बनने लायक हो, तो जहाँ पे आप ड्रेसिंग कर सकते हो दोस्तों, जहाँ पे भी ड्रेसिंग हो सकती है वहाँ पे आप ड्रेसिंग कर सकते हो, और बाकी ऐसी जगह हो जहाँ पे ये अपन पट्टी नहीं बांध सकते, रुकता नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये एलोवेरा है, एलोवेरा का जूस आता है दोस्तों, तो वो दुकान पर मिल जाता है आराम से, कोई भी दुकान से ले सकते हो आप एलोवेरा का जूस लेके, और उस जूस में वो हल्दी मिक्स करके, और फिर वहाँ पे वो उसका लेप कर सकते हो आप। तो ये दोनों प्रकार है, और हर प्रकार की गांठ का ये रामबाण इलाज है दोस्तों। कहीं आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी के भी ये गांठें हो जाती है तो 5 से 7 दिन तक आप उसकी ड्रेसिंग कर सकते हो। ड्रेसिंग करने के बाद में सुबह, जैसे सुबह किया ड्रेसिंग तो शाम को खोल लो, या शाम को किया तो सुबह खोल लो। तो ज़्यादातर रात को सोने पे कर सकते हो दोस्तों आप, रात को सोने के बाद में करो, सुबह उठ के खोल दो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा और बहुत ही शानदार रहेगा। आज के लिए दोस्तों राधे राधे।